Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding cold chain and storage and handling of vaccine. First we will discuss about what is cold chain. A cold chain is a temperature controlled supply chain comprising refrigerating production, storage and distribution facilities supported by equipment that can constantly maintain the required low temperature range. कोल्ड चेन क्या होती है? कोल्ड चेन जो है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पे रख के उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका स्टोरेज करना, उसका सप्लाई करना और उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहे, हमेशा लो टेम्परेचर रहे और वो अच्छी तरीके से सप्लाई हो सके जहाँ से वो बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, जहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास गया है और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है, कंज्यूमर के पास जो है वो प्रोडक्ट जाता है, तब तक ये क्या कर सके, लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके वो उसकी पोटेंशियल जो है वो मेंटेन हो सके और वो अच्छी तरीके से सप्लाई हो सके. फॉर एग्जाम्पल, सम वैक्सीन्स रिक्वायर ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम टाइम दे आर मैन्युफैक्चर अंटिल दे आर यूज. क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल में कुछ वैक्सीन्स जो होती हैं इनको क्या चाहिए होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है. कब से रिक्वायर्ड होगा, जब से ये बनी है, टिल द यूज, मतलब जब तक ये यूज नहीं कर ली जाती तब तक उनको एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज ये क्या करेंगे, अपनी पोटेंशियल जो होती हैं वो लूज कर देती हैं. द रिक्वायरमेंट इज सो एग्जैक्ट दैट इफ द टेम्परेचर गोज आउटसाइड ऑफ दिस रेंज, इफ इवन फॉर ए शॉर्ट टाइम द वैक्सीन कुड लूज इट्स पोटेंशियल एंड बिकम अनफिट फॉर यूज. ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है इनके अलावा अगर इनका टेम्परेचर जो हो गया फॉर अ शॉर्ट वाइल, अगर तब भी हो जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ही हो जा रहा है, अगर इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया तो क्या करेंगे, जो वैक्सीन्स जो होती हैं वो अपना टेम्परेचर अगर उनका चेंज हो गया तो वो क्या करेंगे, अपनी पोटेंसी जो है वो लूज़ कर देंगे और वो अनफिट हो जाएंगे, उनको हम फिर से उनको हम यूज़ नहीं कर सकते. अगर हमने इनको बाई चांस यूज़ भी कर लिया तो ये क्या करेंगी, बहुत डिजास्टर्स जो है वो डिजीज़ कॉज कर देती हैं पर्सन के अंदर. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द कोल्ड चेन. डेफिनेशन क्या है कोल्ड चेन का, द कोल्ड चेन इज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 35 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. कोल्ड चेन क्या होती है, ये वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने का एक तरीका होता है जिसमें हम जो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करते हैं वो एक नॉर्मल सेट डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं. वो कितना टेम्परेचर हो सकता है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको सप्लाई कर सकते हैं. द कोल्ड चेन बिगिंस व्हेन द वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर मूव थ्रू टू द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड इंड्स विद द लोकल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइडर एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो कोल्ड चेन है ये हमें कब से प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी होती है, जब से ये जो वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चर हुई है उसके बाद ये कहाँ जाती है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के पास में जाती है और ये लोकल इम्यूनाइजेशन के पास में जाएगी, प्रोवाइडर के पास में जाएगी और तब तक ये यूज़ करनी है जब तक ये जो कंज्यूमर है, जो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका तब तक नहीं हो जाता, तब तक हमें उसका जो टेम्परेचर है जितना एक्यूरेट उसका टेम्परेचर जितना मेंटेन करने के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है, जो भी टेम्परेचर होता है उसका हमें टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज जो वैक्सीन होगा वो अपनी पोटेंसी जो होगी वो उसको लूज कर देगी. नेक्स्ट वन, कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या होते हैं इसके कोल्ड चेन के, द कोल्ड चेन हैज़ 3 मेन कंपोनेंट. जो कोल्ड चेन है उसका 3 मेन कंपोनेंट होता है, क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इक्विपमेंट. फर्स्ट हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोर्ट करवाना और जो स्टोरेज इक्विपमेंट आते हैं वो आते हैं किस में होके, वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर होके जा रही है उसका स्टोरेज किस इक्विपमेंट में किया जा रहा है, पर्सनल जो भी लोग उसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें अप्रोप्रिएट जो है वो ट्रेनिंग जो है उनको मिलनी चाहिए कि वैक्सीन जो है उनको हैंडल कैसे करना है. इफ़िशेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर, जो ये प्रोसीजर हो रहा है कोल्ड चेन का, इसका जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो कैसी तरीके से होना चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट इसका होना चाहिए. नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोल्ड चेन. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कोल्ड चेन के, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द इम्यूनाइजेशन यूनिट इन पाहो फोकस्ड ऑन 5 पिलर. जो ऑब्जेक्टिव है इम्यूनाइजेशन के उसको अचीव करने के लिए जो पाहो है वो 5 पिलर्स जो है उनके ऊपर फोकस करता है. फर्स्ट क्या है, एडवाइजिंग कंट्री टू यूज़ गुड क्वालिटी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट. वो कंट्री को क्या एडवाइज़ करता है कि वो जो इक्विपमेंट हैं, जो रेफ्रिजरेशन के लिए इक्विपमेंट हैं वो कैसे हों, गुड क्वालिटी के हों.
ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ इन मैनेजिंग वैक्सीन एंड देयर इक्विपमेंट. वो क्या प्रोवाइड करता है, जो वो पर्सनल यूज़ करते हैं, जो लोग वैक्सीनेशन का जो कोल्ड चेन की प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, वो उनको इफेक्टिवली जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की गई हो और उनको सारे मैनेज करने के वैक्सीन के तरीके पता हों. कैरिंग आउट इवेल्यूएशन ऑन कोल्ड चेन एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन, उन्हें कैसे करके कैरी आउट करना है, इवेल्यूएट कैसे करना है कि कोल्ड चेन की जो प्रोसेस है, जो सप्लाई चेन की प्रोसेस है, वो सही तरीके से ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही है. कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड, उन्हें अच्छी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में जो है कोल्ड चेन की टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, विद सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ तरीके से उन्हें उसको फॉलो करना है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसे कैरी आउट करना. इम्प्रूविंग मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड स्किल टू सपोर्ट ऑल ऑपरेशन रिलेटेड टू द कोल्ड चेन एंड सप्लाई चेन टू इंट्रोड्यूस न्यू वैक्सीन, उन्हें क्या करना है, जो इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट कैपेसिटी है, जो भी उनको जो भी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, सपोर्टिंग उनको स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कराने, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, उन्हें मैनेजमेंट जो कैपेसिटी जो है इम्प्रोवाइजेशन की ब्रो प्रोवाइड करानी है रिलेटेड टू द, वो किससे होनी चाहिए, कोल्ड चेन की सप्लाई से और कोल्ड चेन जो है उसको फॉलो करने से रिलेटेड होनी चाहिए. और जो न्यू वैक्सीन्स आ रही हैं, कौन सी वैक्सीन है, किस टेम्परेचर पर जो यूज़ होनी है, उनका वो न्यू तरीके से जो भी वैक्सीन आ रही है उनका क्या टेम्परेचर है, क्या उनके लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करने, ये सब उनको बताना चाहिए. नेक्स्ट वन, टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन. जो वैक्सीन का एक एक्यूरेट टेम्परेचर क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट जो हर वैक्सीन के लिए हमें लगभग फॉलो करना होता है. वैक्सीन शुड बी मेंटेन विद इन द रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज ऑफ 35 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो वैक्सीन का रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो कितना होता है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब हम कह सकते हैं ये कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस. द लॉस ऑफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस इज कमलेटिव एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अगर कोई भी वैक्सीन है, अगर उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ख़राब हो गई, तो उसको हम दोबारा वापस से पहले जैसी नहीं कर सकते, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं होती है, हम इसको पहले जैसा ठीक करके नहीं कर सकते. इक्विपमेंट फॉर स्टोरिंग वैक्सीन, जो इक्विपमेंट होते हैं वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, वो क्या क्या यूज़ किए जाते हैं. द एसेंशियल कोल्ड चेन इक्विपमेंट नीडेड टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर वैक्सीन विद इन द कंसिस्टेंट सेफ टेम्परेचर रेंज इंक्लूड. जो एसेंशियल कोल्ड चेन को सप्लाई करने के लिए, कोल्ड चेन को फॉलो करने के लिए कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो इनका हम यूज़ करते हैं वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर कराने के लिए, वो क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं. अ रेफ्रिजरेटर फॉर स्टोरिंग वैक्सीन, एक रेफ्रिजरेटर है जिससे हम वैक्सीन जो है उसका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रख सकें, तो हम किसके अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं. अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और मरकरी ऑब्लिक मैक्सिमम थर्मामीटर एंड चार्ट फॉर रिकॉर्डिंग डेली टेम्परेचर रीडिंग, हमें क्या करना है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो मरकरी थर्मामीटर होता है उसका यूज़ करना है कि उसका वैक्सीनेशन जो है कोल्ड चेन में जितना वैक्सीन का टेम्परेचर दिया गया है उतना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे हमें मेजर करना है. कोल्ड बॉक्सिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन, हमें क्या चाहिए होता है, कोल्ड बॉक्सेस चाहिए होते हैं जिससे कि हेल्प से हम वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करके रख सकें. आइस पैक टू कीप वैक्सीन कूल, हमें जो कोल्ड बॉक्सेस में क्या रखने होते हैं, आइस पैक्स रखने होते हैं ताकि जो कोल्ड बॉक्सेस है वो ठंडे बने रहें, इसलिए क्या यूज़ किए जाते हैं, आइस पैक्स का भी वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है. मटेरियल टू सेपरेट आइस पैक फ्रॉम द वैक्सीन व्हेन यूजिंग कोल्ड बॉक्सेस, हमें कुछ मटेरियल भी रिक्वायर्ड होता है बीच में गैप रखने के लिए, तो वैक्सीन्स को आइस पैक्स जो है उनको सेपरेट रखने के लिए जो कोल्ड बॉक्सेस के अंदर होते हैं वो मटेरियल भी रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट वन, रेफ्रिजरेशन ऑफ वैक्सीन. अब हम वैक्सीन जो है उनका रेफ्रिजरेशन कैसे करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर. स्टोर IPV MRR ऑन द टॉप सेल्फ, हमें जो IPV वैक्सीन होती है, इंट्रापोलियो वैक्सीन और मीजल्स मम्प्रूवेला जो है उसको हमें टॉप सेल्फ जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली यूज होती है, इसलिए उसको हम टॉप सेल्फ पे रखते हैं. और उसका जो टेम्परेचर होता है उसको भी हम कम टेम्परेचर पे रखते हैं, इसलिए उसको टॉप सेल्फ पे रखा जाता है. इफ़ डाइल्यूटेंट कंपनीज MMR HIP वैक्सीन विद इन वाइल पैकेजिंग द डाइल्यूटेंट मस्ट बी रिमूव्ड. अगर जो डाइल्यूटेंट है वो MMR और HIP वैक्सीन में यूज़ हो रहा है वाइल पैकेजिंग में, तो जो डाइल्यूटेंट होता है उसको रिमूव कर देना है. एंड स्टोर ऑन द मिडिल और नेक्स्ट लोअर सेल, और वो हमें वैक्सीन जो है वो कहाँ यूज़ करके रखनी है, हमें जो रेफ्रिजरेटर है उसके हमें बीच में जो है मिडिल पोर्शन और जो नेक्स्ट लोअर सेल्फ है उसके अंदर हमें रखनी है.
ऑल फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड ऑन द मिडिल सेल्फ। जो भी फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं वो हमें कहाँ पे रखनी है, मिडिल सेल्फ के अंदर रखनी है। डायल्यूटेंट एंड इमरजेंसी ड्रग कैन बी स्टोर्ड ऑन द लोअर सेल्फ। जो डायल्यूटेंट वैक्सीन होती हैं, जो इमरजेंसी ड्रग होती हैं, वो हमें कहाँ रखनी है, लोअर सेल्फ के अंदर रखनी है। नेक्स्ट वन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन। स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन क्या है, दिस इज़ कॉल्ड अ कोल्ड चेन। जो स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रोसेस है वैक्सीन का, वो क्या कहलाती है, कोल्ड चेन कहलाती है। मतलब स्टोरेज एंड हैंडलिंग क्या है, जब तक वो जो वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चर हुई है टिल ये कंज्यूमर के पास जाती है, जो हम प्रोसेस का फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। और स्टोरेज एंड हैंडलिंग जो होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोल्ड चेन कहते हैं। वैक्सीन मस्ट बी कंटिन्यूअसली स्टोर्ड इन ए लिमिटेड टेम्परेचर। इन जो वैक्सीन है उसको हमें कहाँ स्टोर करना है, एक कंटिन्यूअसली एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज पे हमको स्टोर करके रखना होता है, फ्रॉम द टाइम दे आर मैन्युफैक्चर्ड अंटिल द मोमेंट ऑफ वैक्सीन। ये हमें कब तक स्टोर करनी है, जब तक ये वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर हुई है और ये जब तक यूज़ नहीं हो जाती है वैक्सीन, तब तक हमें इसको स्टोर करके रखना है। दिस इज़ बिकॉज टेम्परेचर दैट आर टू हाई और टू लो कैन कॉज द वैक्सीन टू लूज इट्स पेटेंसी। ये क्यों यूज़ करना होता है, क्यों हमें स्टोरेज और हैंडलिंग का टेम्परेचर कम करके रखना है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो कैसी होती है, वो अपनी पेटेंसी जो होती है विद द टाइम जो है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा लो या ज़्यादा हाई हो गया, जो इतना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो अपनी पेटेंसी जो होगी वो क्या कर देगी, लूज़ कर देगी, और वो क्या हो जाएगी, इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, इसकी एबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कि वो होगी वो रिड्यूस कर देगी, और वो जो डिजीज़ कंडीशन के लिए दी जा रही है जिससे फाइट कराने के लिए, उससे वो फाइट नहीं करा पाएगी, उसके रिगार्डिंग एंटीबॉडीज जो होगा वो नहीं बना पाएगी। और ये फर्दर कोई डिजीज़ भी है, अगर वो एक्सपायर्ड हो गई है तो वो ये फर्दर कोई और डिजीज़ भी है वो रिएक्शन कॉज कर सकती है बॉडी के अंदर जाके। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैक्सीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए जब वैक्सीन का स्टोरेज और हैंडलिंग हो रहा है। तो दिस प्रोसीजर सुड कंटेन प्लान्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर थ्री मेजर एरिया। जो स्टोरेज एंड हैंडलिंग की प्रोसीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, SOP भी बोलते हैं, तो इसको जो ये है ये थ्री मेजर एरिया में फोकस करता है। क्या क्या रखना है हमें, जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी है रिगार्डिंग द वैक्सीन, रूटीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग के रिगार्डिंग इन्फो होनी चाहिए, और एमरजेंसी वैक्सीन स्टोरेज हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट उसको कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए हमारे पास, इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर, हमें कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए किस जो है वो कंपनी ने वैक्सीन को, किस इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन को जो है वो मैन्युफैक्चर किया है, इक्विपमेंट का सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंपॉर्टेंट फैसिलिटी स्टाफ कौन है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन पूरा वैक्सीन का क्या है, रेगुलरली यूज फॉर्म जो वैक्सीन है वो किसके लिए यूज़ की जा रही है, उसके क्या फॉर्म्स हैं, और जो स्टाफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रूटीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग। रूटीन स्टोरेज हैंडलिंग क्या है, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल आस्पेक्ट ऑफ वैक्सीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमें इन्वेंट्री को कैसे करके मैनेज करके रखना है ये हमें पता होना चाहिए, फ्रॉम ऑर्डरिंग टू मॉनिटरिंग स्टोरेज कंडीशन। कब से, जब से हमने वैक्सीन को ऑर्डर किया है और जब तक हमने इसको स्टोर किया है, तब तक हमें इसकी पूरी जो इन्फो है वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एमरजेंसी वैक्सीन स्टोरेज हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। आउटलाइन स्टेप टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ इक्विपमेंट माल फंक्शंस, पावर फेलियर, नेचुरल डिजास्टर और अदर इमरजेंसी दैट माई कंप्रोमाइज वैक्सीन स्टोरेज कंडीशन। हमें ऐसी कंडीशन भी पता रहनी चाहिए, जैसे कि जब स्टोर कर रहे हैं वैक्सीन को और जब उसको हम हैंडलिंग कर रहे हैं, क्या डिजास्टर्स कंडीशन जो है वो, क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं, जैसे कोई भी माल फंक्शन आ गया, कोई भी पावर फेलियर सप्लाई हो गया, उसके लिए हमें एडवांस में प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई भी इमरजेंसी कॉज हो गई, तो हमें वैक्सीन का कैसे करके हमें क्या चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, मैनेज वैक्सीन इन्वेंट्रीज। हमें वैक्सीन जो है उसकी इन्वेंट्री जो है वो हमें प्रोसेस में, जो स्टोरेज और हैंडलिंग की प्रोसेस है उसमें हमें मेंटेन करनी चाहिए। मेंटेन फ्रीजर टेम्परेचर बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
मेंटेन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 degree Celsius. रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 2 to 8 degree Celsius, जबकि फ्रीजर का टेम्परेचर -50 degree Celsius to -15 degree Celsius होना चाहिए. एम हमें कितना करना है कि हमें इसके मिड में रख सकें, जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होगा वो कि 5 degree Celsius रख सकें. इन्वेंट्री योर वैक्सीन सप्लाई एट लीस्ट मंथली एंड बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर. हमें जो अपना इन्वेंट्री है वैक्सीन सप्लाई का, वो हमें एटलीस्ट 1 month पहले ही, उसको ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी पता कर लेनी चाहिए कि कितना एडवांस में हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना इस वैक्सीन का कंजप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, एक्सपायर्ड वैक्सीन मस्ट नेवर बी यूज्ड एंड इट बिकम्स, जो एक्सपायर्ड वैक्सीन है वो कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि कैसी हो जाती है. ऑलवेज यूज़ द वैक्सीन विद द सूनेस्ट एक्सपायरेशन डेट. फर्स्ट हमें वैक्सीन के एक्सपायर होने का वेट नहीं करना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि जैसे ही वो एक्सपायर होने के पहले ही पहले वो कैसी हो जाए, वो यूज़ हो जाए. मूव वैक्सीन विद इन द सूनेस्ट एक्सपायरेशन डेट टू द फ्रंट ऑफ द स्टोरेज यूनिट एंड मार्क इट टू बी यूज्ड फर्स्ट. जो अगर वैक्सीन एक्सपायर होने वाली है उसकी डेट जो है वो आ चुकी है, तो देख लेना चाहिए कि वो पहले ही यूज़ हो जाए, उसको हमें मार्क कर लेना चाहिए एक्सपायर होने से पहले पहले ही वो यूज़ हो जाए. दीज एक्शन हेल्प इंश्योर इट विल बी पिक्ड अप फर्स्ट एंड समवन सिलेक्टिंग वैक्सीन फ्रॉम द यूनिट. तो अगर वो मार्क होगी तो वो देख लेगा कि ये मार्क्ड वैक्सीन है, तो वो जब यूज़ होने वाली होगी तो उसको सबसे पहले ही पिकअप कर लिया जाएगा, क्योंकि वो एक्सपायर होने वाली है, क्योंकि उसके बाद में वो यूज़ नहीं आएगी. स्टोर वैक्सीन अप्रोप्रिएटली, जो वैक्सीन्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली हमें स्टोर करके रखना है. प्लेस वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग शिपमेंट. जो वैक्सीन है जैसे ही उसका शिपमेंट यूज़ आया है हमारे पास में, शिप्ड हुई है, उसका ही तुरंत हमें कहाँ रख देनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर में जो वैक्सीन रखने वाली हैं. कीप वैक्सीन वाइल इन देयर ओरिजिनल पैकेजिंग. जो वैक्सीन वाइल्स हैं अगर उनको ओरिजिनल पैकेजिंग जो उनकी होती है उसके अंदर ही रखना चाहिए. स्टेबलाइज टेम्परेचर, जो वैक्सीन है उनका टेम्परेचर जो है उसको स्टेबल करके रखना चाहिए. स्टोर आइस पैक इन द फ्रीजर एंड लार्ज जग्स ऑफ वाटर इन द रेफ्रिजरेशन अलॉन्ग विद द वैक्सीन. हमें जो फ्रीजर के अंदर क्या क्या रखना है, लार्ज जग्स हैं वाटर के वो रखने हैं, आइस पैक्स जो हैं वो रखने हैं वैक्सीन के साथ साथ में. दिस विल हेल्प मेंटेन ए स्टेबल कोल्ड टेम्परेचर इन केस ऑफ पावर फेलियर. ये क्या करेगा, ये एक टेम्परेचर जो होगा मेंटेन करने के काफ़ी दिन तक ये मेंटेन करके रख सकता है, इनके सब अगर थोड़ी देर के लिए जो पावर फेलियर हो भी जाता है तो भी. इफ़ द रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर डोर्स आर ओपन फ्रिक्वेंटली आर एक्सीडेंटली लेफ्ट ओपन. अगर ये जो है रेफ्रिजरेटर के डोर्स जो है एक्सीडेंटली अगर ओपन भी हो जाते हैं तो इनको हमें तुरंत तुरंत देख के क्लोज कर देना, हमें इनको ज़्यादा देर के लिए ओपन नहीं छोड़ना होता. सेफगार्ड द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द स्टोरेज यूनिट. हमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसका सेफगार्ड जो है वो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए. मेक श्योर दैट द रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर आर प्लग्ड इन टू आउटलेट. हमें मेक श्योर करना है कि जो रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर है उसका जो प्लग है वो हमेशा एक ऐसी जगह पे होना चाहिए, वो प्रोटेक्टेड एरिया पे रहना चाहिए, वेयर दे कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड एक्सीडेंटली, जहाँ पे ये एक्सीडेंटली जो है वो डिसकनेक्ट ना हो पाए. नेक्स्ट वन, टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन. टेम्परेचर क्या रहना चाहिए वैक्सीन्स का. MMR may be stored in the either the freezer or the refrigerator. जो measles mumps rubella vaccine है इसको हमें freezer और refrigerator के अंदर store करके रखना है. COVID-19 vaccine requiring storage in ultra cold. जो COVID-19 vaccine होती है इसको ultra cold vaccine पर रखना होता है. मेंटेन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर बिटवीन 2 degree and 8 degree Celsius. जो वैक्सीन है जिसका हमें 2 to 8 degree Celsius जो है कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, मतलब 36 degree to 46 degree Fahrenheit मेंटेन करना है, जिसका हमें एम 5 degree Celsius रखना है, वो कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं. COVID-19 हो गई, डीटैप वैक्सीन हो गई, टीटैप वैक्सीन हो गई, टीडी वैक्सीन हो गई, डिप्थीरिया हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टाइप बी हिप मतलब, और ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मीजल्स मम्स रूबेला 2 वैक्सीन, मैनिंगोकोकल वैक्सीन, मैनिंगोकोकल बी वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड पोलियो रोटा वायरस सिंगरेज जो है जोस्टर के लिए जो कि वैक्सीन दी जाती है. इनका जो टेम्परेचर, इन सारी वैक्सीन का टेम्परेचर जो है वो हमें 2 to 8 degree Celsius का मेंटेन करके रखना है. एनी हाउ,